आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आखिरी चरण के लिए मतदान के लिए पीएम मोदी आज कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने भी रोड शो करेंगी। देखिए रिपोर्ट। 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी आज एक बार फिर कोलकाता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जहां वो एक बड़ा रोड शो निकालेंगे। कोलकाता के श्याम बाजार 5 पॉइंट से शिमला स्ट्रीट में मौजूद स्वामी विवेकानंद के आवास तक रोड शो निकाला जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के बीच 40 मंच तैयार किए गए हैं, जहां बंगाल की संस्कृति के मुताबिक पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पारंपरिक छाऊ डांस, कीर्तन, रविंद्र संगीत समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बेशक पीएम कोलकाता में रोड शो निकाल लें, लेकिन बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। इलेक्शन का टाइम है, सब दल उसका खुद का प्रोग्राम्स है, वो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तृणमूल कांग्रेस ममता जी को ही बंगाल में साथ ही पब्लिक देंगे। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। 2019 में ये सभी सीटें टीएमसी के पास थीं। इनमें कोलकाता की 2 सीटें, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण पर भी टीएमसी का कब्जा है। इसीलिए अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार पीएम मोदी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पीएम मोदी के गढ़ में रैली करेंगे। देख रिपोर्ट। वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में आज राहुल अखिलेश जनसभा करने जा रहे हैं। जनसभा शाम 4 बजे वाराणसी के मोहन सराय में करेंगे। ये वही जगह है जहां किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था। रैली का नाम परिवर्तन संकल्प सभा रखा गया है, जिसे कामयाब बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर तैयारी की है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी अपने अपने इलाकों से ज्यादा लोगों को रैली में लेकर आएं। रैली से पहले दोपहर 2:45 बजे राहुल अखिलेश संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल अखिलेश पर तंज कसा कि चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, दगाबाज कहाँ चले गए तुम, और राहुल गांधी फिर दूसरी गाना गाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे टूरिज्म के लिए, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना।